तो वहीं कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर पहली प्राथमिकता अपराधों पर रोकथाम करना बताया। उनका कहना है कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए वो टीम के साथ पूरे प्रयास करेंगे। कोचिंग स्टूडेंट्स बिना किसी भय के यहां पढ़ाई करें, उसके लिए पूरे इलाकों में गश्त को तेज किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की 100 दिवसीय योजना के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कोटा कोचिंग स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ी संख्या में बाहर से स्टूडेंट आए हुए, तो उनको ये महसूस हो कि ये किसी भी तरह की उनके साथ कोई क्राइम ना हो। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से उनके सामने एक वे आउट हो कि अपनी बात को जो उनके सामने आ रही है, परेशानी है, वो फ्रीली बता सकें, तो संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनके सहयोग से इस तरह का करने का प्रयास करेंगे कि बिना किसी स्ट्रेस के वो अपना पढ़ने का काम करें। किसी भी तरह का क्राइम अगर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके साथ हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके आउटरीच बढ़ा करके प्रयास करेंगे।